पासवर्ड और ईमेल आईडी बाबू को चैनल को। तो आज वैसे तो कुछ प्लान नहीं था कि मैं ग्रीनवुड के बारे में ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन माहौल में या फ्लो में ब्लॉग बन गया तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना अभी ग्रीनवुड आ ही गए तो वीडियो को भी अपलोड कर देते हैं। सो आज से ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट हो गया। आई होप यू लाइक इट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम है ग्रीन रोड पे और ये लोकेटेड है देकार गांव तेजपुर पे। सो मैं कल ग्रीन रोड पे रहने का कुछ ऐसा प्लान स्पेशली नहीं था, लेकिन मैं जब शाम को आया और मैंने सोचा इधर डिनर करके जाऊं, तो फिर उनके इंस्टा फॉलो ने कहा आप ये रेडी सकते हो और अचानक मूड बन गया तो हम यही रे बसे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी हुआ है टाइम, इधर अपने मोबाइल पे देख लो अभी हुआ है 8:25। तो ये आप रूम का एक बार आप खुलिया देख सकते हो। कल रात को मैंने यहाँ पर कुछ सामान इधर इधर उधर रखा था और उसके बाद ये सोफा है। और इस रूम का एक खासियत है कि आप पर्दा खोलने से आपको बाहर का नजारा मिलता है, तो ये काफी मतलब प्यारा चीज है। और आप चाहे तो इधर खिड़की भी खोल सकते हो इस तरफ। एक बार मैं मेरे दोस्तों दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। क्या है यहाँ पे? तो मैं जरा अभी खिड़की को बंद कर लेता हूँ क्योंकि बाहर ठंडी हवा चल रही है और ऊपर से हमने एसी भी लगा रखा है। तो रूम जाते समय आपको एक चीज ऐसा होटल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऐसा कार्ड मिलता है जिसे कहते हैं एंट्री कार्ड। तो यहाँ पर रखने से लाइट वाइट का सिस्टम नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंसर है, तो जाते समय इसको जरूर देख जाइए। तो खैर दोस्त तुम आ जाओ इस तरफ। इसमें आप 5,000-4,000 में रह सकते हो। हम जो रूम पे रहे हैं उनका उसका प्राइस है 4,000 और जो मेरी बहन अपने रूम पे रही है उसका प्रीमियम रूम है ग्रीनवुड का, तो उसका प्राइस है अराउंड 6,000 प्लस जीएसटी मिला के 80% 6,000-4,000 ऐसा कुछ होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जाकर। तो आप चाहते हैं अगर आप चाहे तो आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं और सीढ़ी भी है। अभी हम कौन से फ्लोर पे? अभी हम ग्रीनवुड के सेकेंड फ्लोर पे। तो ये मेरी बहन का रूम, तो मैं पहले कॉलिंग करके प्रेस करता हूँ। अब देख मुलाकात कीजिए मेरी बहन से। ये है मेरी बहन, कल रात मैं मेरी बहन और मेरा जो दोस्त अभी कैमरा कर रहा है। और मुलाकात कीजिए हमारे चीजा से जो सुबह सुबह प्लेइंग कर रहे हैं एक्सरसाइज। वाओ क्या बहुत ध्यान रखते हैं रोज करते सर? हाँ कभी कभार करते हैं जब मन चले। तो वो इनका रूम बहुत बड़ा है। वहाँ मेरे दोस्त को थोड़ा आगे आने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आप यहाँ से भी नजारा ले सकते हैं, ये रूम का भी कितना प्यारा नजारा है। यहाँ पे भी खिड़की मिलता है आपको और आप ये सोफा में बैठ कर कॉफी का मजा ले सकते हैं। हम भी थोड़ा बेडरूम दिखाइए, ये बेड का हालत कैसा है। और आप यहाँ पर देख सकते हो टेबल लेंथ, और इसमें भी आपको फोन मिलेगा। अगर आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप सोते सोते ऑर्डर कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट में आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप कॉल कर सकते हैं, वो लोग तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। खैर अभी तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैंने 5 बजे कॉल करने के लिए ट्राई किया था, उसमें गाली भी तो कुछ नहीं कहेंगे, आपकी बात सुनते रहेंगे और रोस्ट करते थे। दोस्त आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि मेरे दोस्त को CISF में नौकरी मिल गया। लेकिन कल एक कांड हुआ, उसने क्या किया, अपने घर वो रहने के लिए गया और उसका जो दोस्त था वो पार्टी खाने के लिए उसके रूम में पहले ही एक दिन पहले से ही वो आके वहाँ पर रह रहा था। तो दोस्त को मैंने बोला कि करण, ये मेरा दोस्त, दोस्त को बोला कि कल क्या करोगे, ग्रीनवुड पे रहोगे या अपने रूम पे रहोगे। तो दोस्त ने इतना मतलब बेईमानी किया अपने दोस्त को, उस दोस्त को अकेले अपने रूम पे छोड़कर वो ग्रीनवुड पे मस्त पार्टी मार रहा है और वो दोस्त बेचारा को 50 रुपये का बिरयानी खिला के मुंह बंद करके इधर आ गया, आप देख सकते हो। तो खैर आज के लिए इतना ही। आपको ये होटल का एक्सपीरियंस, दोस्त को छोड़ने का एक्सपीरियंस और दोस्त को 50 रुपये खिला के 5,000 का खाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप बताइए। शुरुआत में तो दोस्त को छोड़ के आने में बहुत बुरा लग रहा था, पर अभी यहाँ पे आके मुझे लग रहा है कि
तो ऐसा कुछ था आज का ट्रिप। लेकिन ट्रिप खत्म करने से पहले मैं मेरे जो रिश्तेदार है उन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि ये होटल कैसा लगा। पहले आप बताइए कि होटल कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत अच्छा लगा, बहुत। और मेरी बड़ी बहन बोल रही है कि उनको बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने जीजा से पूछता हूँ आपको ये होटल कैसा लगा, आप इसके बारे में। बहुत शानदार होटल है, ऐसा होटल तो हम मतलब कहीं नहीं। कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव रिव्यू। और मेरे दोस्त से कहना चाहता हूँ कि उनको कैसा लगा ये होटल। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दोस्त को छोड़ के आया है रूम में, एक दोस्त को मेरे रूम पे छोड़ के आया। तो खैर अभी हम निकलते हैं आज के ब्लॉग में, बस इतना ही। आई होप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या रिव्यू रहती है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमको बता सकते हैं। तो खैर अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं।